नशे की तस्करी कोई नया मामला नहीं है। सिंगरौली में भी नशे का अवैध कारोबार अपने चरम पर है। ऐसे में पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये शख्स शराब तस्करी के साथ चोरी के वारदातों को भी अंजाम देता था। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने अवैध शराब तस्कर बच्ची उर्फ रोशन को 55 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वो एसी में लगे कॉपर पाइप और सीसीटीवी कैमरे भी अपने साथी मनीष उर्फ भैया बेगा के साथ मिलकर चोरी किया करता था। पुलिस ने मौके पर ही मनीष उर्फ भैया बेगा को भी गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने एसी में लगे कॉपर पाइप और सीसीटीवी कैमरे बरामद किए, जिनकी कुल कीमत 40,000 है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।